टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 विश्व कप में अजेय रहकर चैंपियन बनने की मिसाल पहली बार कायम की है, जबकि देश ने पहली बार T20 विश्व कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनते ही समुद्री तूफान में फंसी भारतीय क्रिकेट टीम आखिरकार 4 दिन बाद 4 जुलाई को कैरेबियन आइलैंड बारबाडोस से स्वदेश लौट आई। देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टीम का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री आवास जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। स्पेशल चैंपियन जर्सी पहने खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी ने तस्वीरें भी क्लिक करवाई। इस दौरान कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसके बाद हर कोई मोदी की तारीफ कर रहा है। दरअसल फोटो सेशन के दौरान पीएम मोदी ने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को छुआ तक नहीं। ये वो ICC ट्रॉफी है जो देश को 11 साल इंतजार करने के बाद मिली है, और क्रिकेट वो खेल है जिसकी लोकप्रियता की तुलना भारत में किसी और चीज से नहीं की जा सकती। लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्रॉफी को अपने हाथ से छुआ तक नहीं, ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री की मुलाकात के दौरान जब ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, लोग पीएम की तारीफ करने लगे। लोगों का कहना है कि ट्रॉफियां सिर्फ चैंपियनशिप खिलाड़ियों को ही पकड़नी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग की प्रतिष्ठित वर्ल्ड कप ट्रॉफी इस खेल में उपलब्धि के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। ट्रॉफी का एक समृद्ध इतिहास है। इस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए खिलाड़ी साल दर साल अपना खून पसीना एक करते हैं, दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, हाई प्रेशर माहौल झेलकर ट्रॉफी जीतते हैं। ऐसे में इस पर उन्हीं का अधिकार होता है जिसने ट्रॉफी कमाई है। किसी बाहरी व्यक्ति का इसे थामना या छूना उन खिलाड़ियों की मेहनत को चिढ़ाने जैसा होता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ संदेश दिया है कि जिस ट्रॉफी को देश लाने के लिए जिन खिलाड़ियों और कोच ने असली मेहनत की है, उनका श्रेय भी उन्हीं को दिया जाना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री ने ट्रॉफी को खिलाड़ियों को समर्पित किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाव की जमकर तारीफ हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।